हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वैसे आज हम MI 6 मोटो एक्स और वन प्लस 3T का जो ब्लैक एडिशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। MI के CEO लियो जुन ने कंफर्म किया है कि MI 6 विल बी अनवील्ड समटाइम इन अप्रैल। ये न्यूज़ के लीक होने के बाद काफ़ी रूमर्स सामने आए हैं कि MI 6 में हमें ड्यूअल कैमरा सेटअप मिल सकता है। सो गाइस, मैं आप लोगों के सामने कुछ पिक्चर्स रिवील्स करने वाला हूँ MI 6 की। तो गाइस, हम देख सकते हैं यहाँ पर MI 6 का लुक्स कुछ हमें इस तरह मिलने वाला है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले देख सकते हैं हम ऑल साइड राउंड डिस्प्ले है, जो हमें LG G6 और सैमसंग गैलेक्सी S8 में देखने को मिली थी। यहाँ हम बेजल्स की बात करें तो बेजल्स देख सकते हैं काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया गया है लुक्स को बढ़िया बनाने के लिए। बैक साइड देखें तो कैमरा हमें ड्यूअल सेटअप मिलता है और यहाँ पर बॉक्स हमें कुछ इस तरह मिलने वाला है। अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर हमें दो वेरिएंट मिलने वाले हैं, जो है एक है 5.15 इंच की डिस्प्ले होगी, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर होगा, 3GB की रैम मिल सकती है, 64GB का स्टोरेज मिल सकता है, 12MP का रियर कैमरा मिलेगा और 4MP का फ्रंट कैमरा जो अल्ट्रा पिक्सल सेंसर के साथ होगा। दूसरे वेरियंट की बात करें हम यहाँ पर 5.15 इंच की डिस्प्ले होगी, 6GB रैम होगा, 128GB स्टोरेज, 30MP का स्नैपर एंड 4000mAh बैटरी कैपेसिटी हो सकती है यहाँ पर। और कुछ लीक्स ये भी कहती है कि आइरिस स्कैनिंग सेंसर भी हमें MI 6 में देखने को मिल सकता है। तो दिल थाम के बैठा गाइस, पता नहीं MI इस बार क्या करने वाला है, देखते हैं ये रूमर्स कितनी हद तक सच होती है। दूसरी लीक्स मोटो एक्स के बारे में, जो लिनोवा एंड मोटो ने डिसाइड कर लिया है कि मोटो एक्स की जो सीरीज़ है वो हम कंटिन्यू रखने वाले हैं, जिसका नाम हो सकता है मोटो एक्स 2017। अब कंफर्म लिक्स ये है मोटो एक्स 2017 जो मॉडल है उसका मॉडल नंबर XT-180X हो सकता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की बात करें हम तो यहाँ पर हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर मिलने वाला है, उसके साथ साथ हमें एड्रेनो का 560 GPU देखने को मिल सकता है। यहाँ पर होगी 3GB और 4GB की रैम और 32GB और 64GB का स्टोरेज। और कैमरे की बात करें तो यहाँ पर हमें 12MP का कैमरा एक देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करें तो आइडिया ने यहाँ पर आसाम में अपनी 4G सर्विसेज स्टार्ट कर दी है, तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करें तो वन प्लस 3T का जो मिडनाइट एडिशन है, जो ब्लैक एडिशन है, वो हमें कुछ 3499 में मिलने वाला है। और यहाँ पर कंपनी कहती है कि ये काफ़ी लिमिटेड एडिशन होगा, तो लिमिटेड एडिशन के साथ साथ लिमिटेड स्टॉक भी हो गए, तो गाइस डोंट मिस दैट। तो लास्ट न्यूज़ कुछ BSNL के बारे में है। तो न्यू दिल्ली में रिलायंस जियो के लॉन्चिंग के बाद देश भर में इंटरनेट डेटा को लेके घमासान चल रहा है। एक तरफ जहां जियो नए शानदार ऑफर देकर कस्टमरों को लुभाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर ही दूसरी तरफ दूसरी टेलीकॉम कंपनियां भी जियो को पीछे करने के लिए एक से बढ़कर एक शानदार ऑफर दे रही है। ऐसे में भला गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनियां कैसे पीछे रह सकती है। तो BSNL ने अपने कस्टमरों के लिए शानदार ऑफर पेश किया है, जिसमें आपको रोज़ाना की 10GB इंटरनेट फ्री मिल सकता है। अगर आप BSNL यूज़र हो तो आपको 249 का रिचार्ज कराना है, जिसमें आपको मिलेगा 10GB का रोज़ाना का पैक, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 30 दिन की और 30 दिन में आपको 300GB तक का डेटा मिल सकता है। अगर आप BSNL यूज़र्स नहीं हो तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके नज़दीकी BSNL ऑफिस में जाइए, वहाँ पर एक सिम कार्ड ले लीजिए वहाँ से और रिचार्ज करके आप ये ऑफर को इंजॉय कर सकते हो। गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आता रहता हूँ। तो बाय गाइस, टेक केयर।